अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो जी गाइस, आज हम दो तीन दिन बाद व्लॉग बनाने लगे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, आज भी काफ़ी सर्दी है, तो इसलिए हमने अपने बर्ड्स को ओपन नहीं किया, उनको दाना पानी डाल के वैसे ही बंद कर देते थे, जिसकी वजह से ना हमने वीडियो नहीं बना सके। तो ये देखिए अभी भी सर्दी फील कर रहे हैं काफ़ी। बाकी जो हमारे दूसरे सेटअप पे बर्ड्स हैं वो अभी भी कवर ही हैं, तो मुर्गियों को हमने ओपन छोड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ना सर्दी फील कर रहे हैं बर्ड्स, ये आप देखें, क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा, 5 से 6 तक टेम्परेचर गया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही, अगर निकलती है तो कोई 10 मिनट आधा घंटा निकलती है बहुत मुश्किल से। तो आज आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो यार ये अभी मैं जा रहा था, इसने पीछे से ना मुझे मारा है, बहुत तेज़ हो गया, इसका भी कोई हल करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इधर हमने जो अपने ना तीतर वाइट का पेयर छोड़ा था ना, वाइट तीतर का, वो हमने इधर से निकाल लिया क्योंकि उन्होंने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया था। और हम एक और न्यू भी पेयर लेके आए हैं वाइट तीतर का, वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये देखें यार, ये तो चलने भी नहीं दे रहा, आगे आगे भाग रहा और मारने की फुल कोशिश कर रहा है, ये देखें। तो आप दोस्त कमेंट्स में बताइएगा इसका क्या हल करना चाहिए ताकि ये मारना ना मारने से हट जाए। तो अगर हम उस तरह का ब्लेंडर लगाते हैं ना तो फिर ये फीमेल भी नहीं क्रॉस कर सकेगा, अगर वो लग गया ना ब्लेंडर तो फिर मारना तो ये ख़त्म कर देगा, लेकिन ये फीमेल को नहीं क्रॉस करेगा क्योंकि यार वो एग दे रही है, अगर फिर एग बगैर क्रॉस किए देंगे तो वो फर्टाइल नहीं होगी, असल इशू जो है। तो इधर हम चेक करते हैं कि आज हमारी किसी फीमेल ने कोई एग दिया या नहीं दिया। तो ये देखें माशाल्लाह, एक फ़ीमेल ने एक एग दिया हुआ है, ये देखें। तो अभी आप दोस्तों को दिखाते हैं कि हमारे कितने एग हो गए। तो ये देखें, मैं इधर ही रख रहा हूँ छत के ऊपर ही, ये देखें माशाल्लाह कितने एग हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 एग हो गए। और ये जो है ना वो कारण वो पड़ा है जो ब्लेंडर के साथ, वो नकली एग है, बाकी सारे असली हैं। उसके अलावा ये माशाल्लाह चेक करें, हमारे वाइट तीतर का पेयर ना हमने इधर छोड़ दिया है क्योंकि यार ना उधर ये केज में फीमेल को बहुत ज़्यादा मार रहा था। ये देखिए आप, इसकी नोज़ के ऊपर भी इसने ना मार मार के जख्म कर दिया काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा ये कहीं फीमेल को मार ही ना दे। तो वैसे तो उस दिन ना काफ़ी 4-5 दिन अच्छी धूप निकली है जिस वजह से हमने उधर छोड़े थे, लेकिन इन्होंने फाइट शुरू कर दी थी आपस में, मेल बहुत ज़्यादा फीमेल को मार रहा था, इसलिए ना हमने उधर से निकाल लिया पेयर को और दोबारा इसने जोट में लगा दिया। और उसके अलावा आप दोस्तों के लिए एक और सरप्राइज़ है, ये चेक करें माशाल्लाह, हम एक वाइट तीतर का और पेयर ले आए, बहुत आउट क्लास क्वालिटी का माशाल्लाह, अभी इनके ना पार काटे हुए हैं, इसलिए ये आप देखें माशाल्लाह तीतर, आप खड़ा इसकी स्टैंडिंग चेक करें, बिल्कुल वाइट है। और ये माशाल्लाह अब हमारे पास वाइट तीतर के दो पेयर हो गए, तो इंशाल्लाह तकरीबन 15-20 दिन रहते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन तो वैसे स्टार्ट है लेकिन हम सर्दी की वजह से ना इनको नहीं अभी छोड़ रहे, क्योंकि मेल मारना शुरू कर देते हैं, फीमेलों को सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ना ये हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई पीस डैमेज हो जाए, तो इनका ना खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो इनके लिए अभी एक केज तो है हमारे पास वो वाला, तो एक केज उधर और बनाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से ब्रीड कर सके, क्योंकि इनको ना थोड़े खुले केज की ज़रूरत होती है ताकि उधर घूम फिर भी लें, अंडे भी दें अपना, तो बच्चे भी निकालें भी उधर, उनको भी कोई टेंशन ना हो, तो उनके लिए एक और केज की ज़रूरत होगी। तो जी गाइस, ये माशाल्लाह चेक करें आप, हमारे दोनों पेयर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेयर हैं माशाल्लाह, ये शायद किसी चीज़ से डर गए हैं, देखिए नीचे होकर बैठ गए। तो अभी हम फीमेल को चेक करते हैं और आपको चिक्स दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह चिक्स देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, ये देखें तो बहुत तेज़ हो गए यार, अब तो छलांग लगा कर ना इधर ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर बाहर भी निकल आते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अब हम इनको फीड डाल रहे हैं सर्दी की वजह से ताकि इनको सर्दी कम फील हो। ये देखें, ये जो हमारा चिक्स था ना, ये गोल्डन सा लग रहा था जैसे, लेकिन ये देखें इसने पार माशाल्लाह बिल्कुल वाइट निकाले हैं यार, ये आप देखें, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं बना, क्योंकि पहले भी हमारे पास इसने जो चिक्स निकाले ना उनके ये इशू आया था, ये वाइट में आ जाता हीरा में, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, तो वो माशाल्लाह वो भी हमारे चिक्स टोटल वाइट थे, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 पीस निकले और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 ही बिल्कुल वाइट है। तो ये देखें माशाल्लाह, हमने इधर ना इनके नीचे ये भूसा वगैरह भी फेंका हुआ ताकि ये सर्दी से बच सकें, ये देखें माशाल्लाह। तो हम सिर्फ दिन में ना इनको एक दफ़ा पानी डाल रहे हैं ताकि ये सर्दी में इनको पानी अभी कम ही दे रहे हैं, तो अभी इनका यार ना केज बंद कर देते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह, हमारा वाइट हीरा कमेल, यार आप दोस्तों ने लाजमी बताना है कमेंट्स में इसका क्या हल करें, ये जो आगे से ना मारने के लिए मारने हमें मारे ना, क्योंकि वो फीमेल के जिस तरह ब्लेंडर लगाया ना, अगर हम इसके वो लगा देंगे ना तो शायद ये बिल्कुल नहीं मारेगा, लेकिन ये फिर फीमेल को भी क्रॉस नहीं कर सकेगा, तो जब फीमेल को क्रॉस नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो हमने इसको वैसे ही हटाना और हमने इसको लड़ाना नहीं है किसी के साथ, क्योंकि हमने ये शौकिया रखे हुए हैं माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही प्यारे माशाल्लाह। तो जी गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आप दोस्तों को कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपने दोस्त मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।